ऊपर से जहाँ पर भी तप कष्ट आदि भी दिखाई पड़ते हैं, ये केवल लोक शिक्षा आदि के लिए है, क्योंकि साधक के परिभाषा और सिद्ध के परिभाषा हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद सुंदर रूप में वर्णन किया। साधक उसके कहा जाता है जो कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया किंतु एवं कृष्ण दर्शन की भी योग्यता भी प्राप्त कर दिया, किंतु सामान्य रूप में वैष्णव अपराध की गंध शरीर पर रहने पर भगवत दर्शन पूर्ण रूप से नहीं होता, इसके कहा जाता है साधक परिकृतिता। बिल्वमंगला देव साधक परिकृतिता, बिल्वमंगल ठाकुर की साधक कहा जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में शिल रूप गोस्वामी पाद करते बिल्वमंगला देव साधका परिकृतिता, बिल्वमंगल ठाकुर की साधक कहा जाता है। सिद्ध उसे कहा जाता है जिसके समस्त प्रकार क्लेश कष्ट आने पर भी कोई कष्ट उसके अनुभूति नहीं होते, और अभिज्ञात अखिल क्लेशा, अभिज्ञात भगवान की सेवा में इतने डूबे रहते हैं उनके किसी प्रकार क्लेश के जो है दुख के गए अनुभूति नहीं था, इसलिए अभिज्ञात अखिल क्लेशा नित्य श्रद्धाश्रय, सदा सर्वदा भगवान की इतने आश्रित होते हैं वह सेवा में डूबे रहते हैं, इसलिए ना उनके किसी प्रकार कष्ट दुख होता है, सदा सर्वदा भगवत नाम गुण लीला आदि वर्णन में डूबे रहते हैं, खुशी कहा जाता है सिद्ध कहा जाता है। राधा आदि गोपियां जो है भगवान के नित्य परिकर होने के नाते इनको सिद्ध कहा जाता है। और इसके अलावा कुछ भी साधन सिद्धा भी गोपियां थी, जैसे श्रुतिचरी, मुनिचरी, ऋषिचरी, देवकन्याएं अथवा रामचंद्र की लीला में जनकपुर की कन्याएं भी है, ये लोग भी रामचंद्र की सौंदर्य माधुर्य देख करके पति रूप में प्राप्ति करने के लिए वो लोग भी बहुत उत्कंठा प्रकाश किए। ऐसे स्त्रियों की ये भाव उत्कंठा देख करके भगवान रामचंद्र ने उनको मणिमन आशीर्वाद दे दिया, ये रामलीला में मैं आप लोग के जो है पत्नी रूप में ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि सीता विवाह के लिए मैंने एक प्रतिज्ञा रख दी, ये इस रामलीला में सीता छोड़कर के दूसरी कोई स्त्री को मैं अंगीकार नहीं करूँगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए गुरु वचन न जाए, इसलिए भगवान रामचंद्र वो समस्त जनकपुरी की कन्याएं यहाँ तक भी स्वर्ण सीताएं भी, अर्थात भगवान रामचंद्र यज्ञ करने समय जो स्वर्ण सीताएं जो भगवान निकट प्रार्थना की, ये हमें तो जीवित किया और हमें आपको अपने के पत्नी के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि भगवान रामचंद्र यज्ञ करने के समय वो स्वर्ण सीता को प्राण प्रतिष्ठा करके बाएं तो रख करके यज्ञ आदि किया, इसलिए उन्होंने बोले जब आप हम लोग के तो पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया, बाएं तरफ बैठा करके अपने यज्ञ पूर्णाहुति दी, तो हम लोग भी स्वीकार करें। भगवान रामचंद्र वही बात बताए, ये इस रामलीला में मैं मर्यादा में प्रतिष्ठित हूँ और आप लोग के पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करते। और इसके रामलीला के पश्चात दापर युग में जब मैं कृष्ण होकर के जब आऊँगा और तब आप लोग मैं सारी मनोवांछा पूरा करूँगा। मेरे जोगमाया की कृपा से आप लोग सभी ने ब्रज में ब्रज गोपी के गर्भ में गोपी देह प्राप्त करोगे और गोपी शरीर प्राप्त करके मेरे साथ सम्मिलित हो गए, ये समस्त कथा जो है, इसलिए वह समस्त जो है गोपियां जो है यहाँ पर भगवत प्राप्ति के लिए यानी कृष्ण प्राप्ति आदि के लिए यहाँ पर कठोर तपस्या आदि के कठोर तपस्या इतनी है, माघ महीने कड़ी जब धूप पड़ती है, कड़ी जब ठंडी पड़ती है, ये समस्त गोपियाँ प्रातः काल में यानी 4 बजे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके एक गोपियों के नाम लेकर के पुकारते हुए सब एकत्रित होकर के यहाँ पर आकर के स्नान आदि करते थे। विशेष करके माघ महीने में कड़क ठंडी में ये लोग तपस्या आदि करते, इसलिए ये शाम को कहा जाता है तपोवन कहा जाता है। ये अत्यंत सुंदर मनोरम स्थान भी है, जैसे वन के समस्त जंगल तो काट गए किंतु ये स्थान भी आज तक भी ये स्थान बहुत सुंदर है रूप में विराजमान है, देखने लगता है ये ऋषि मुनि के कोई एक स्थान जैसे लग रहे हैं। पेड़ पौधा भी ऐसे सुंदर रूप में है, कृष्ण के प्रकट लीला में ये सब स्थान में जो है अनेक प्रकार के जो है फलदान वृक्ष आदि रहते थे, आनंद वृंदावन चंपू गोपाल चंपू आदि ग्रंथ में इस स्थान की भी वर्णन है। वृक्ष आदि के फल फूल में वृक्ष आदि में फल फूल हो करके इतने लद जाते थे और वृक्ष के डालियां जो है धरती देवी के मानो चुंबन करती है, इतने सुंदर जो है ये समस्त स्थान। और यहाँ पर गोपियां
एकांतों में आकर के और वहाँ पर स्नान आदि करती थी और ठुठुरते हुए ठंडी में क्या बोलते हैं ठुठुरते हुए यहाँ पर और अनेक प्रकार जो है विलास आदि करते थे। और अंत में कृष्ण जो है वो हम जाएंगे अंतिम दिन वो समस्त गोपियाँ साधन सिद्धा गोपियाँ उन्होंने राधा अभी नित्य सिद्धा गोपियों की जो है अपने उत्सव में उन्हें निमंत्रण किया, जिससे भक्त हरण आदि लीला की कथा श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को श्रवण कराया। तो जिससे कथा जो है अभी हम चितघाट में जाएंगे कत्तायनी महामय महाजगनेधीश्वरी नंद गोपोसुतम पति में कुरुते नमः, इस मंत्र के द्वारा वो समस्त गोपियाँ जो है वो जोगमाया के एक मूर्ति बनाती थी और बना करके धूप दीप आदि दे करके और अर्चन आदि करके फिर उसमें पानी आदि डाल करके प्रसाद निवेदन करके सभी गोपियाँ जो है फिर अपने दोपहर के बाद सब गोपियाँ अपने अपने घर में लौटती थी। ये समस्त ये कथा दिव्य अलौकिक स्थान है हम जहाँ पर ये विराजमान है देखो कितने सुंदर निकट में जमुना जो है प्रवाहित होती थी। बरसात के समय जमुना बिल्कुल इस निकट में आ जाती है। गुरुदेव के समय हम लोग यहाँ पर भी आए देखा यहाँ पर बिल्कुल जो है जमुना यहाँ पर प्रवाहित होती थी। जमुना प्रवाहित होने पर गोपियाँ यहाँ पर जो है तपस्या आदि अर्थात घी लैंप आदि के द्वारा जमुना की आरती और करके फल आदि है वो जमुना में अर्पित करते हैं, इसलिए इस स्थान की तपोवन कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थान में सब संत महात्मा भी आते हैं, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और समस्त हमारे गुरु गौड़िया जितने भी भक्त क्या बोले परम्परा जो है गुरुवर्ग सभी इस स्थान पर पधारे, इस स्थान को स्मरण किया, इस स्थान लीलाओं को स्मरण किया और इस स्थान के प्रणाम करने से धूल के सिर पर लगाने से हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो गया। इसलिए ये स्थान अत्यंत सुंदर निर्मल पवित्र स्थान है। इस स्थान को हम प्रणाम करते हैं। आगे हम लोग जाएंगे अक्षय वट और अक्षय वट, इस अक्षय वट के बाद कचरत जो है उस स्थान पर दर्शन करेंगे। उस स्थान भी बहुत दिव्य आलोकी भी स्थान है जहाँ पर राधा आदि गोपियाँ जो है कृष्ण के साथ जो है चैलेंज करने लगे ये कौन क्या बोले कसरत में कौन जीत सकते हैं, कसरत माने रेसलिंग जो है एक होता है स्वास एक होता है शेर एक होता है स्वास। तो उसमें राधा कृष्ण की ये समस्त लीला आदि हुई। ये अक्षय वट है वहाँ पर उस कथा भी बहुत सुंदर है जे राधा कृष्ण दोनों जो है मल्ल युद्ध आदि करने लगे। कृष्णमती राधिका भी सुंदर भी ड्रेस पहन लिया क्या बोले मल वो कसरत करने वाला जो ड्रेस होता है बहुत ऐसे हाथ को ऐसे करके रखा और कृष्ण भी सुंदर रूप में वो वस्त्र आदि धारण किया दोनों के ऐसे कसरत होने लगे। और इतने समय राधा जी ने क्या की बस कृष्ण के ऐसे पछाड़ दिया, पछाड़ देने से कृष्ण बिल्कुल जमीन पर लौट गए। लौट जाने पर साके सखियां हंसने लगी, सखियां कहने लगी कन्हैया तू तो हार गया। कन्हैया बोले मैं कहां हरा, बोले क्यों अच्छा बताओ जिसके नांग ऊपर होता है वो श्रेष्ठ होता है। बोले तेरे राधा बोले रात देख हम तो जमीन पर लेट गए किंतु मेरा नाक जो है ऊपर की तरफ है और राधा जी के नाक नीचे की तरफ है। इसी प्रकार अनेक प्रकार ये समस्त लीला आदि हुई और वो अनेक प्रकार के लीला जो है यहाँ पर होते रहती थी। कृष्ण ले यही लीला गाओ वर्ष मोर कृष्ण नाम अचिर अति कृष्ण प्रेम पावे प्रेमाधन। भक्तिपूर्ण ठाकुर लिखते हैं इस लीला को स्मरण करें और इस लीला को कीर्तन करें हरिनाम करते करते आपके हृदय में ये समस्त प्रेम और भाव उत्पन्न होगा। बोलो तपोवन की जय, कसरत की जय और अक्षय अच्छा बहुत सुंदर लीलाएं कथा है। आगे हम चलते हैं।